बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जहां आईएसआईएस के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर आईएसआईएस का एक्टिव मेंबर एनआईए के हत्थे चढ़ गया है। बता दें कि पटना का मोहसिन अहमद दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है और 6 महीने से मोहसिन दिल्ली के बाटला हाउस में अंडरग्राउंड था। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली से मोहसिन एनआईए की हत्या चढ़ा। बता दें कि 6 महीने से वह दिल्ली में अंडरग्राउंड था और आईएसआईएस का संदिग्ध मेंबर यहां पर एनआईए के कब्जे में आ गया। बता दें कि फुलवारी शरीफ में जब से आतंक के स्कूल का खुलासा हुआ, उसके बाद एक के बाद एक कड़ियां बिहार से जुड़ती जा रही है आतंकवादियों को लेकर के। और उस पूरी खबर पर जानकारी दे रहे पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण। मणिभूषण, ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां आईएसआईएस का संदिग्ध मेंबर मोहसिन, जो कि पटना का बताया जा रहा रहने वाला, वो दिल्ली से अरेस्ट किया जा चुका है। उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए प्रभा, स्वतंत्रता दिवस से पहले जो है एनआईए को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यह भी बताया जाता है कि मोहसिन जो है काफी कई दिनों से जो है पिछले 25 जून से ही एनआईए की जो है तलाश कर रही थी, वो कई ठिकाने बदल रहा था। हाल ही में कुछ ऑनलाइन प्रोपेगेंडा जो है उसके द्वारा चलाया जा रहा था। यह एक बड़ी जानकारी जो है यह भी बताई जा रही है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के जो स्टूडेंट्स है उन्होंने इसका जो है कंफर्म जानकारी दिया। उसके बाद से जो है उसके बटला हाउस स्थित जहाँ रेंट पे वो रहता था वहां पे छापेमारी कर उसे हिरासत में लिया गया है। और आपने देखा भी होगा कि पिछले कई दिनों से जो है बिहार से भी कई आतंकवादियों के जो है तार जो है वो मिले हैं। और इस सिलसिले में अगर मोहसिन की गिरफ्तारी हुई है तो इसके बाद जो है और जो है त्वरित जानकारी जो मिलेगी। और जिस तरह से बिहार के जो फुलवारी शरीफ जो पटना राजधानी में जिस तरह से कुछ आतंकी संगठनों के द्वारा जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ कुछ जानकारियां और सोशल मीडिया पे लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, इस सिलसिले में एक बड़ी कामयाबी जो है एनआईए को मिली है और मोहसिन से और कुछ ज्यादा जानकारी एनआईए को मिल सकती है। जी बिल्कुल मणिभूषण, और कह सकते हैं कि फुलवारी शरीफ में जब से आतंक की इस नर्सरी का खुलासा, उसके बाद एक के बाद एक जो नाम है वो सामने आ रहे हैं, एनआईए की जो कार्रवाई वो तेजी से चल रही है और बिहार से ही कड़ियां जुड़ रही है सारी। देखिए बिहार से ही कड़ियां जुड़ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो जिस तरह से प्रोग्राम हुआ था उससे पहले जो है प्रशासन जो अलर्ट मूड में आया, तभी जाकर ये जो फुलवारी शरीफ में जो आतंक मॉड्यूल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के जो है सदस्य वो पकड़े गए, वहीं से जो है इसका तार और जुड़ा। और मोहसिन का जो तलाश जो है पिछले कई दिनों से जो है एनआईए कर रही थी और जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा फैलाता था और आईएसआई का जो है वो एक जो सक्रिय सदस्य रहा, रेडिकलाइज तो सदस्य एक होता ही है लेकिन वह पूर्ण रूप से आईएस का सदस्य रहा है, तो एनआईए को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्कुल मणिभूषण, एक बार फिर से जानना चाहूंगी, मोहसिन अहमद जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो पटना का बताया जा रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए ये अभी इतनी जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है, यह बताया जा रहा है कि पटना का है तो उन्हीं फुलवारी शरीफ इलाके का भी वहीं से इसकी तार कनेक्शन हो सकते हैं, तो आने वाले दिन में जो है वो पूरी जानकारी मिल जाएगी पटना के किस एरिया का रहने वाला है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एनआईए लगातार जो है ये आतंकी जो प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं और आईएसआई को लेकर जो ऑनलाइन सदस्यता जो भी चलाया जा रहा है उसे लेकर जो है काफी एनआईए सतर्क है और उसी सतर्कता का यह परिणाम है कि आज जो है एक बहुत बड़ा आईएस का एजेंट जो है वो दिल्ली से पकड़ा गया है। जी बिल्कुल मणिभूषण, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर यह बड़ी खबर इस वक्त, जहाँ पर आईएसआईएस का ये संदिग्ध मेंबर यहाँ पर मोहसिन अहमद की गिरफ्तारी हुई है एनआईए के द्वारा, और ये मोहसिन अहमद पटना का बताया जा रहा है और 6 महीने से मोहसिन अहमद दिल्ली के बाटला हाउस में अंडरग्राउंड था।